टीम इंडिया ने 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से अपने नाम की है। अब 17 मार्च से शुरू हो रही वनडे सीरीज पर रोहित शर्मा की नजर होगी। पहला मैच टीम इंडिया मुंबई में कंगारुओं से खेलेगी। मुंबई रोहित शर्मा का होम ग्राउंड है, लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा इस मैच में कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे। उनकी जगह टीम की कमान हार्दिक पांड्या संभालेंगे। टीम इंडिया के फैंस को उम्मीद होगी कि रोहित की पलटन जीत के साथ ही सीरीज की शुरुआत करे। वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से इस सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि दूसरे और तीसरे मैच में रोहित शर्मा बतौर कप्तान वापसी कर लेंगे। हार्दिक पांड्या के लिए ये पहला मौका होगा जब वो किसी वनडे मैच की कप्तानी करेंगे। हालांकि हार्दिक पांड्या ने पहले 11 T20 इंटरनेशनल मैचों की कप्तानी की है। इसमें उन्होंने भारत को 8 मैचों में जीत दर्ज कराई है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने IPL में कप्तानी करते हुए गुजरात टाइटंस को पहली बार में ही खिताबी चैंपियन बनाया था। लेकिन वनडे और T20 फॉर्मेट दोनों अलग हैं, इसलिए कप्तानी भी अलग होने वाली है। ऐसे में हार्दिक पांड्या के लिए ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। अगर भारतीय स्क्वाड की बात करें तो टीम में रोहित शर्मा के अलावा हार्दिक पांड्या, रणवीर सिंह, विराट कोहली, KL राहुल, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, जयदेव नाटकट टीम में शामिल है। वहीं चोट के चलते श्रेयस अय्यर रूल आउट हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के वाइड बॉल स्पेशलिस्ट ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श, सीन अबॉट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जंपा, जो सिंग्लिश, एस्टन एगर भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पिछले सप्ताह ही अहमदाबाद में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। हार्दिक पांड्या ने अब तक श्रीलंका, आयरलैंड जैसी टीमों को हराया है। वहीं अब ऑस्ट्रेलियाई टीम काफ़ी मजबूत है। ऐसे में हार्दिक पांड्या की कड़ी परीक्षा होने वाली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछली वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर खेली गई थी। इस सीरीज में भारतीय टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर वनडे सीरीज में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 143 मैच खेले गए हैं। इनमें ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 80 मैच जीते हैं और भारतीय टीम ने 53 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं 10 मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। भारत ने अपने घर पर 64 में से 29 मैच जीते हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सरजमी पर 38 मैच जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 30 मैच जीते हैं, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 14 मैच ही जीत सके हैं। तो ये सीरीज काफ़ी अहम होने वाली है। इस साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जिसके लिहाज से ये तैयारियाँ पुख्ता करने का बहुत सही मौका है।